हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे और वेलकम करता हूँ आपका एक बार फिर अपने चैनल पर मिर्ज़ा व्यूज़ पर। तो आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो रैप के बारे में। रैप आपको पता है ना कि आजकल की जो जनरेशन में रैप का कितना जो है ना इन्फ्लुएंस है और बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अभी MTV हसल जो चल रहा है उसके मैंने काफ़ी सारे कुछ एपिसोड देखे थे। तो RCR बहुत छाया हुआ है, RCR की फैन फॉलोइंग बहुत जल्दी कुछ ही हफ्तों के अंदर RCR बहुत फेमस हो गया है। तो उसने जैसे मैंने उसके रैप सुने हैं वो सूफी रैप यानी कि दिल को छू जाने वाला जो रैप है ना वो करता है, वो सच्ची बातें लिखता है। और आपको पता है ना कि रैप का हिप हॉप जो है ना वो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। आई थिंक फर्स्ट मैंने कोई कंपटीशन देखा है, फर्स्ट कोई शो मैंने देखा है रैप का। ऐसे मैंने सिंगिंग बहुत शो देखे हैं, इंडियन आइडल, सारेगामापा, लिटिल चैंप्स, उसके बाद DID, यानी कि रियलिटी शोज देखने का मुझे बहुत शौक है और मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे हैं इंडिया के। तो ये MTV हसल भी मैंने सोचा चलो देखते हैं, जिसमें कि बहुत टैलेंटेड न्यू रैपर आपको मिलेंगे और आने वाले दिनों में बहुत सारे सॉन्ग्स आने वाले हैं इन रैपर्स के। और RCR का आज हम देखने जा रहे हैं, एक रैप है जिसमें उनकी अपनी लव स्टोरी भी बयान की है। तो देखते हैं कि उनकी लव स्टोरी तो ऑलरेडी सब सुन चुके होंगे, अगर किसी ने नहीं सुनी तो चलो ये वो आपकी मेमोरीज भी फ्रेश करेगी और जो लोग नहीं देखे अभी तक उनके लिए। तो RCR के फैंस ये आपके लिए है वीडियो और प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं RCR का रैप सॉन्ग, लेट्स गो। RCR, मैं भी फैन हो गई पता है, बहुत जबरदस्त। इस दुनिया से परे एक और दुनिया है दिल जहाँ से सब कुछ फैल रहा होगा, बस वहां जाने को दिल करता है। आई अंदर से आवाज कहीं और है तेरा घर, सच झूठ से परे जहां मौत का ना डर, नूर की चादर में सो रही रूहें, जहां सीने से लगा के मौला चूमता है सर, अब वो भी परेशान देख दुनिया के हालात, मजहब बांटा रब बांटा बांटी जात पात, रो रहा देख बहती खून की नदियां के कैसे इंसान इंसान को रहा काट, क्या मार के किसी को आज तक रब दिखा है, क्या वो भी तेरी तरह चंद पैसों पे बिका है, द गॉड इज लव लव इज गॉड क्राइस्ट ने कहा था, जिन प्रेम किया तिन ही प्रपायो वाणी में लिखा है, फिर क्यों धर्मों को लेके नफरत के बीज बो रहे हैं, हिंदू मुसलमान कट्टरता की मैयत पे सो रहे हैं, गुरुओं पीरों ने हमें लड़ना नहीं सिखाया, फिर क्यों सबसे ज्यादा धर्मों पे ही कत्लेआम हो रहे हैं, बंद करो नौटंकी खुद को धार्मिक बताने की, साधुओं का छोला आदत जिस्मों को खाने की, पहना सर से पांव तक झूठ का लिबास और बातें करता है तू सच्चे रब को पाने की, मुझसे जुदा तड़पू तड़पे मेरी रूह टूट चुकाने की मिलता, कयामत के दिन सबका लेखा देखा जाएगा, तेरे काले कर्मों का फल तुझे नरक में फेंका जाएगा, जुबान तेरी खींच लेंगे चमड़ी उधेर जाएगी, आग की लपटों में तेरा जिस्म सेका जाएगा, क्या तू जो बातें है दिल में रहती बहती मेरी तो प्यासी आंखें हैं क्यों, चीख चीख तक हारा मैं कानों में रेंगे ना इनके जरा सी जू, रू बरू होना मैं चाहूँ तेरे दर पे खोना मैं चाहूँ, ना लगे दिल का फिर दुनिया मौत की सेह पे सोना मैं चाहूँ, ये बात उन बच्चों की जिन्होंने हर एक टेररिस्ट अटैक में अपने माँ बाप को खो दिया। सैल्यूट है यार। मरी हुई माँ का दूध पीते पीते सो चुके हैं, खून निकले आंखों से इस हद तक रो चुके हैं, क्या रह गया उन बच्चों का बचपन, अभी चलना भी ना सीखा और अनाथ हो चुके हैं, जान ले ली जाती है यहाँ जिसने प्यार किया बड़ा इतिहास, तो मैंने एतबार किया हीर रांझा सस्ती पुन्नू कोई ना बचा, इंसान तो क्या लोगों ने ईसा को भी मार दिया, दूर खुदा कर दे मुझे
तुझको मुझसे जुदा, तड़पू तड़पे मेरी रूह टूट चुका नहीं मिलता तू, ले जा कहीं दूर खुदा कर दे मुझको मुझसे जुदा, तड़पू तड़पे मेरी रूह टूट चुका नहीं मिलता तू। बहुत जबरदस्त वीडियो है यार, कमाल RCR, यू आर सुपरस्टार। आई थिंक ही साउंड लाइक RCR विद हिज सूफी फ्लो। सूफी फ्लो जो है ना, कमाल का है, कमाल। RCR अगेन। मैंने बहुत कुछ लिखा है अपनी माँ के बारे, पर पापा पापा आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि माँ अगर जन्नत तो आप जन्नत के भगवान, माँ अगर खीर तो आप मीठे पकवान, माँ है आयत तो आप पूरी कुरान। वाह वाह वाह, लव यू पापा, तुझ में बसती मेरी जान। सो क्यूट, बहुत जबरदस्त यार, पापा के लिए भी वर्ड बोल रहा है। आज तक ऐश कराई, खिलौनों की दुकान मेरे रूम में सजाई, याद जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे पापा, तूने उधार पकड़ के मुझे बाइक की दिलाई, फिर एकदम चढ़ा मुझे संगीत का बुखार, जिद मेरी दिला दो इंस्ट्रूमेंट कर मुझसे प्यार, 2000 बस बैंक अकाउंट में थे तेरे। ओके, तो ये एक शॉर्ट सा वीडियो था, किसी ने एडिट किया हुआ था, यहाँ तक ही था, लेकिन मैंने इसका जो पापा वाला रैप सॉन्ग है ना, ये मैंने पूरा सुना हुआ है। आई थिंक ये मैंने पूरा एपिसोड देखा हुआ है। सोचो, रात के 12 बज जाते हैं, कभी 11 साढ़े 11 12 बजे के बाद मैं एपिसोड जब शुरू करता हूँ तो पूरा एपिसोड देख के बंद करता हूँ। सोचो कि मैं, इतना मजा आता है रैप सुनने का, तो दिल करता है कि देखता जाऊँ। और RCR का तो मैं भी फैन हो गया हूँ जब से इसके रैप आए हैं। पहले कौन जानता था RCR को? अगर आपने से कोई जानता था MTV हसल से पहले तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, क्योंकि मैं तो नहीं जानता था RCR को, MTV हसल से पहले मैं नहीं जानता था। तो RCR ने यहाँ के जो अपना सिक्का जमाया ना, ये काफ़ी देर तक चलेगा और ज़्यादा चमकेगा। उसका रैप जो सूफीज़म है ना, उसके रैप में जो सच्ची बातें हैं, दिल को छूती हैं। तो एक तो उसका एक बनावटीपन जो उसने किया था, बनावटी रैप किया था, वो लोगों को इतना पसंद नहीं आया। लेकिन जैसे जब भी RCR ने जब भी दिल से सूफी टाइप का कुछ लिखा है ना, तो दिल को टच किया है। RCR के फैंस, ये आपके लिए है वीडियो, तो प्लीज लाइक जरूर करिए। अगर आप RCR के फैन हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, लाइक भी करिए, तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, थैंक यू वेरी मच जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही आपका प्यार रहा तो हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।